हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टैडपोल, फिश, कॉकरोच, बटरफ्लाई एट्सेट्रा। नाउ गोइंग टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से पहले एक पिक्चर बनी हुई है बेटा, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या है कि नो द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। इसमें लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेज दिखाई गई है आप लोगों को। आपने पीछे वाले वीडियो के अंदर देखा होगा कि कौन कौन सी स्टेज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होएगी? ये वाली। नाउ सेकंड स्टेज इज दिस, थर्ड इज ये, एंड फोर्थ इज बटरफ्लाई। इट मीन्स आप फर्स्ट स्टेज, नाउ इज सेकेंड, थर्ड, लास्ट इज दिस। इज दैट क्लियर? इसके बारे में इन्होंने पूछा था हमसे। रेप्टाइल्स क्या होते हैं बेटा? रेप्टाइल्स का मीनिंग होता है जो रेंग कर चलते हैं, जो अपने पेट के बल और रेंग कर चलते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेंग कर। एनिमल्स सच एज स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज एंड लिजार्ड दैट हैव ड्राई एंड स्क्ले स्किन आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। यानी ये क्या कह रहा है कि ऐसे एनिमल्स जैसे कि स्नेक है, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टोर्टोइज, कछुआ, लिजार्ड, छिपकली, ये इनकी स्किन क्या है? ये हैव ड्राई स्किन होती है, एंड स्के स्किन आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, जिसकी वजह से वो क्या है, नीचे से फिसल करके चल सकते हैं। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइज ले एग्स इन शेलो पिट्स नियर वाटर बॉडीज। यानी जो क्रोकोडाइल और टोर्टोइज होते हैं वो अपने अंडे देते हैं शेलो के अंदर एंड नियर वाटर बॉडीज, पानी के किनारे, जैसे कोई पोंड, लेक, जहाँ पे मतलब ठंडक हो वहाँ पे देते हैं ये अपने। देखो इनकी पिक्चर भी आप लोगों को शो की गई है। नेक्स्ट के अंदर आप लोगों को इसी प्रकार से ये बताया गया है। इन पिक्चर्स को देख के आपने नेम फाइंड यहाँ से इसमें पुट करनी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहते हैं? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। यानी कुछ एक एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज को डायरेक्ट जन्म देते हैं, जैसे कि द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को, यानी कि अपने बेबीज को ही सीधा जन्म देते हैं, ये एग्स नहीं देते हैं और उनको फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं, अपना उनकी देखभाल करते हैं। इन तरह के क्या कहते हैं? मैमल्स, मतलब स्तनपान कराना, फीडिंग कराना, स्तनपान कराना। लायंस, टाइगर, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ये एग्जाम्पल है मैमल्स के, क्योंकि ह्यूमन बींग भी इसी में इंक्लूड होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग क्या है, आप छोटे बच्चे होते हो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते हो, पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, तो इट मीन्स क्या हो गए? ह्यूमन बींग्स हो गए आप, और आपके पेरेंट्स उसमें क्या है, मैमल्स के एग्जाम्पल में आते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ दीज एनिमल्स। द यंग वंस ग्रो इन साइड द बेबी ऑफ द मदर्स फॉर मैनी वीक्स। यानी बच्चे को जन्म देने के बाद क्या करती है माँ? उसकी कई सप्ताह तक हेल्प करती है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वेन दे आर बोर्न, जब उसका जन्म हो जाता है, द मदर टेक केयर ऑफ देम एंड फीड देम हर मिल्क। यानी टेक केयर, उसकी देखभाल करती है, एंड फीड देम हर मिल्क, और उसको अपना दूध पिलाती है, एंड प्रोटेक्ट देम, और उसकी रक्षा करती है, अनटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट, जब तक वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, अपने आप कुछ नहीं करने लग जाता, अपनी देखभाल नहीं करता। ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ टाइगर दिखा रखा है। छोटा सा बेबी, उससे क्यूब बनता है, फिर यंग बनता है, फिर ओल्ड टाइगर। नेक्स्ट ह्यूमन बींग को देखो कैसे दिखा रखा है। छोटे बेबी, जब तक वो चलना भी नहीं सीखते हैं, फिर चाइल्ड बन जाते हैं बेबी से, चाइल्ड के बाद वो यंग बन जाते हैं, यंग के बाद वो वापस पेरेंट्स ओल्ड बन जाते हैं। ये था आपका लाइफ साइकिल पे डिपेंड लेसन। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा इसके बारे में।
और आप लोगों को इसको अच्छे से रीड करना है सारे लेसन को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।